आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे। हम बात करेंगे एशिया कप के चौथे मुकाबले के बारे में, भारत बनाम हांगकांग। पहला मैच भारत का, दूसरा मैच हांगकांग का। मेरे साथ हैं दीप दासगुप्ता। दीप, क्या करेंगे आप इस मुकाबले में? क्या आप बड़े प्लेयरों को रेस्ट देंगे इंडियन टीम के, या मेन टीम खिलाएंगे? इसलिए क्योंकि अगला मैच अगले ही दिन है। बिल्कुल, और अगला मैच पाकिस्तान के साथ भी है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपका पहला मैच है, काफ़ी दिन बाद आप वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। आधे लोग इंग्लैंड से आए हैं, आधे लोग भारत से गए हैं वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से जो पहला मैच है वो बहुत क्रूशियल है, उस हिसाब से कि सब अपनी अपनी जगह पहचान लें, सब अपनी अपनी जो रोल्स हैं उसको पहचान लें। तो मैं तो जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वही खिलाऊंगा, लेकिन जहन में ये ज़रूर रखूँ कि पूरी तरीके से हर चीज़ ना झोंक दे पहले दिन, क्योंकि गर्मी बहुत है। और हमने देखा है मुशफिकुर ने 100 बनाया तो वो उन्होंने फील्डिंग नहीं की, रहमत शाह ने वो पारी खेलने के बाद वो भी थोड़े क्रैम्प्स वगैरह आ रहे थे। तो वो भी जहन में रखे कि आप, जैसे हम बात करते हैं 100-200 की, यार आप जो सेमीफाइनल या हीट्स में हैं तो आप कोशिश ज़रूर करें जीतने की, और जीतेंगे आप, लेकिन पूरी तरीके से भी सब कुछ ना झोंक दे उसमें। चलिए, आपने कहा बेस्ट 11 खिलाएं, चाहे हांगकांग के साथ भी मैच है, क्या है बेस्ट 11 आपके मुताबिक? सी, मेरे मुताबिक आप रोहित शिखर ओपन करेंगे, केएल मेरे लिए 3 पे हैं, एमएस धोनी हैं 4 पे, 5 रायडू, 6 केदार, वो 6 आपके बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाते हैं, हार्दिक हैं, फिर कुलदीप, चहल, बुमराह और धोनी। आप केदार और मनीष पांडे के मुकाबले केदार के साथ इसलिए गए क्योंकि वो बॉलिंग ऑप्शन है? बिल्कुल, क्योंकि वो छठे बॉलिंग ऑप्शन है, और खासकर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट पे मेरे हिसाब से एक छठा विकल्प होना चाहिए। चलिए, विराट कोहली नहीं है इस मैच पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोहित शर्मा के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, और रोहित शर्मा की अगर आप पारियां देख ले तो वो अपने हिसाब से एक ग्रेट बन चुके हैं या बनने वाले हैं सफ़ेद बॉल क्रिकेट में। आप T20 उठा लीजिए, आप वनडे उठा लीजिए, तो रोहित सफ़ेद बॉल क्रिकेट में दुनिया में किसी से कम नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूँ अपने। बल्लेबाज या कप्तान? बल्लेबाज और कप्तानी भी। अगर आप श्रीलंका सीरीज उठा के देख लें जो भारत ने जीता था, उसमें कप्तानी की थी उन्होंने, और मुझे तो बड़े पसंद आया बतौर कप्तान भी। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि आपने भी इस बारे में चर्चा की कि भाई इंग्लैंड से आ रहे हैं, कंडीशन होगी, गर्मी होगी, क्या फर्क पड़ता है आज के नए क्रिकेटर को, इतना समय लगता है एडजस्ट करने में? जी, लगता तो है। ये है कि हालांकि आदत हो चुकी है पिछले 2-3 सालों से, ये जो लोग हैं जैसे भुवनेश्वर तो चलिए चोट से आ रहे हैं, लेकिन केएल राहुल हो गए या ऐसे शिखर हो गए, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं तो उनको आदत हो गई, लेकिन फिर भी मुश्किल काम है। एक तो आप फिजिकली जो है, तापमान की हम बात कर ले तो काफ़ी फ़र्क है, सफ़ेद गेंद से गेंद हरकत अलग करती है, इन हालातों में खासकर अलग हरकत करेगी, ऊपर से जो मेंटली काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि आप अभी इंग्लैंड से खेल के आए जहाँ पे आपको बल्ला अंदर रखना है, शरीर के पास खेलना है, अचानक आप कह रहे हैं कि नहीं भैया बल्ला फेंको, तो वो थोड़ा वो मेंटली भी जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है काम। तो तकनीक और मेंटल दोनों को साथ में चेंज करना थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। चलिए, बस ये फर्क है कि ये इनकी एक्चुअल हैबिटेट सी है, तो शायद आसानी हो ये करने में, नेचुरली आता हो शायद कई खिलाड़ियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीप हमसे बात करने के लिए। तो ये था ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। हम देख रहे थे इंडिया बनाम हांगकांग के मैच में क्या होंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और ये मुकाबला कैसे आगे चलेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Click on the bell icon for notifications.